सूजी की जलेबी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप सूजी बारीक वाला लिया है और यहाँ पर हमने एक बड़ा बाउल लिया है। इसी बाउल में हम सूजी को डाल देते हैं। यहाँ पर हमने एक चौथाई कप मैदा लिया है, इसको हम सूजी में डाल देते हैं। दो बड़े चम्मच फेटी हुई दही डाल देते हैं। जलेबी के लिए हमने हल्का खट्टा दही लिया है। अब सूजी में मैदा और दही को मिला लेते हैं। सूजी में दही मैदा को हमने मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर बनाएंगे। हम एक साथ सारे पानी को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे जिससे बैटर हमारे ज़्यादा पतले न हो। बैटर को हमने इतना गाढ़ा बनाया है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं जिससे सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। जब तक के सूजी हमारे फूल रहे हैं तब तक के हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी को बनाने के लिए हमने गैस पतीला रख दिया है। अब गैस को ऑन कर लेते हैं और पतीले में हम 1.5 कप चीनी डाल देते हैं। पहले 1 कप डाल देते हैं, आधा कप चीनी और डाल देते हैं और इसमें हम 1 कप पानी डाल देते हैं। अब चीनी को गलाते हुए हम चाशनी को बनाएंगे। गैस को हमने धीमा किया है, धीमी आंच पर हम चाशनी को बना लेते हैं। चीनी को हम तब तक चलाएंगे जब तक चीनी हमारे अच्छे से घुल न जाए। अगर हम चीनी को बराबर नहीं चलाएंगे तो वो पतीले के तले में जलने लगेंगे, इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे। चीनी हमारी गल चुकी है, चाशनी हमारे पक रहे हैं। यहाँ हमने एक इलायची कूट कर लिया है, इसको हम चाशनी में डाल देते हैं। इससे जलेबी का फ्लेवर अच्छा बनता है। हम चाशनी को 2 मिनट तक और पका लेते हैं जिससे चाशनी हमारी हल्की गाढ़ी हो जाए। हमें बिना तार की चाशनी बनानी है, इसमें कोई तार नहीं बनाना है। केवल हम चाशनी को हल्का चिपचिपा बनाएंगे। 2 मिनट तक हमने चाशनी को और पका लिया है, चाशनी हमारी हल्की गाढ़ी हो गई है। इस तरीके से हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। हम गैस को बंद कर देते हैं और चाशनी को ढककर किनारे रख देते हैं। अब 10 मिनट बाद हम बैटर को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल गई है। बैटर हमारा थोड़ा और गाढ़ा हो गया है। यहाँ हमने आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, इसको हम बैटर में डालकर मिला लेते हैं और यहाँ हमने आधी छोटी चम्मच येलो फूड कलर लिया है, इसको भी हम बैटर में डालकर मिला लेते हैं। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते हैं तो न डालें, ये ऑप्शनल है। फूड कलर को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बैटर को हल्का पतला कर लेते हैं, क्योंकि सूजी फूलने के बाद बैटर हमारे थोड़े ज्यादा गाढ़े हो गए हैं। 2 मिनट हमारे इस तरीके से बैटर बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरीके से हमने बैटर को बनाया है, बहुत पतला बैटर नहीं बनाया है। अब इसका हम जलेबी बनाएंगे। यहाँ हमने इस तरह का पॉलिथीन लिया है, इसी में हम बैटर डालकर जलेबी को बनाएंगे। पॉलिथीन में हम आधे बैटर को डाल देते हैं। अगर आपके पास सॉस वाली बोतल है तो आप उससे भी जलेबी को बना सकते हैं। बैटर को हमने पॉलिथीन में डाल दिया है। अब इसका कोना हम कैंची से काट देते हैं, थोड़ा पतला ही काटेंगे जिससे जलेबी हमारी पतली बने। जलेबी बनाने के लिए हमारे तेल अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब हम गैस को धीम कर देते हैं। अब हम जलेबी को बनाएंगे। जलेबी को हम छोटे बड़े दोनों साइज में बना रहे हैं। आप चाहें तो केवल छोटे साइज में बना सकते हैं या फिर बड़े साइज में भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने छोटा बड़ा दोनों साइज के बनाया है। अब गैस को थोड़ा तेज करके जलेबी को तलेंगे। जलेबी को हम चिमटे से दोनों तरफ से उलट पलट कर तल लेते हैं। जलेबी को इसी तरीके से बराबर पलटते हुए 1 से 1.5 मिनट तक तलेंगे। जलेबी हमारे अच्छे से तल गए हैं। अब सारे जलेबी को निकाल लेते हैं। अब जलेबी को 1 मिनट के लिए चाशनी में डुबो देते हैं जिसे जलेबी चाशनी को सोख ले।
यहाँ हमने चाशनी लिया है। चाशनी हमारी हल्की गर्म है। एक मिनट बाद हम जलेबी को चाशनी बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से हम बाकी की बैटर की जलेबी बना लेते हैं। अब उसी तरीके से इसको भी बराबर उलट पलट कर चिमटे से तलेंगे। जलेबी को इसी तरीके से बराबर पलटते हुए 1 से 1.5 मिनट तक तलेंगे और गैस को तेज रखेंगे। ये बाकी के भी जलेबी हमारे तल गए हैं। इसको भी तेल से निकाल कर तुरंत चाशनी में डालेंगे। अब जलेबी को चाशनी में डाल देते हैं और सारे जलेबी को चमचे से अच्छे से डुबो देते हैं चाशनी में। जलेबी को 1 मिनट तक लिए चाशनी में डुबो कर रख देते हैं। अब सारे जलेबी को चाशनी से प्लेट में निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे सूजी की रसभरी जलेबी बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाने में हमें लगभग आधे घंटे लगे हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर पर जलेबी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब एक जलेबी को तोड़कर हम आपको दिखाते हैं कि हमारी जलेबी कितनी कुरकुरी और रस से भरी है। आप देख सकते हैं जलेबी हमारे अंदर तक चाशनी को अच्छे से सोख लिया है और बहुत कुरकुरी जलेबी हमारी बनकर तैयार हुई है। ध्यान रहे जलेबी तलने के बाद उसको तुरंत चाशनी में डालें और चाशनी को थोड़ा गर्म रखें, तभी जलेबी चाशनी को जल्दी सोखेगा। इस तरह के जलेबी बच्चे और बड़े सभी को बहुत अच्छा लगता है खाने में।